हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग आ गए हैं अपने लीटकोड डेली चैलेंज की प्रॉब्लम में, जो कि है ऐड बाइनरी। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है, तुम्हें दो बाइनरी स्ट्रिंग दिया है ए और बी, और तुम्हें रिटर्न करना है उसका सम, जो कि एक स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। जैसे ए तुम्हें दिया ए और बी तुम्हें दिया है वन, तो उसका सम कितना हो जाएगा? ए वन वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? थ्री रिप्रेजेंट कर रहा है। बी वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 3 + 1 कितना हो गया? 4। 4 को बाइनरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो तो 100 आएगा। तो बेसिकली यही कह रहे हैं, बस तुम्हें सम को सम कर देना है और फिर लाइक उसका बाइनरी कर लेना है। तो बहुत आसान है क्वेश्चन, अगर देखा जाए तो तुम्हें सिर्फ ऐसे ही ऑपरेशन करना है, एडिशन ऑपरेशन करना है और बाइनरी स्ट्रिंग। वन वन कितना हो जाएगा तुम्हारा? 110 हो जाएगा, एक कैरी चला जाएगा। और ये वन 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 इधर एक कैरी गया, तो 11 फिर से 0, और फिर इधर एक कैरी गया, तो उसको इसको हमने ऐड कर लिया, तो अपना आंसर क्या आ गया? 100। तो सेम चीज़ हमें ना इम्प्लीमेंट करना है, कुछ नहीं है। तो बेसिकली एक्स मैंने क्या रखा, मेरा मेरी स्ट्रिंग ए का लेंथ, बी क्या रखा मैंने मेरी इस स्ट्रिंग का लेंथ, और मेरा जेड क्या रिप्रेजेंट करेगा, कैरी रिप्रेजेंट करेगा, और एस मेरा जो आंसर स्ट्रिंग रहने वाला है। और उस कंडीशन डाल दी कि जब तक सारे सबकी लेंथ, मतलब सारे इंडेक्स हम आइटरेट ना कर लें। और ऑपरेशन इसलिए रखा है कि अगर ये ख़त्म हो गया तो इसका तो हमें चेक करते रहना पड़ेगा ना बेसिकली, ठीक है? तो और हमारा जेड जब तक कैरी भी हमारा 0 ना हो, क्योंकि इधर देखो तुम, इधर 3 ऑपरेशन तक गया ना, 110 हुआ, 1110 हुआ, इधर देखो 2, इसकी मैक्स लेंथ कितनी थी 2 और इसकी कितनी 1, तो 2 में ख़त्म हो जाना चाहिए था। पर नहीं, अगर हमारा कैरी नॉन जीरो है, जैसे इधर नॉन जीरो था, तब तब तक हमें जाना है, जब तक कैरी भी 0 हो जाए, वाई हमारा नेगेटिव हो जाए, एक्स हमारा नेगेटिव, मतलब सब इंडेक्स कवर हो जाए, तब तक हमें करता रहना है। तो टोटल इक्वल टू 0 रखा, और बेसिकली टोटल मेरा हर हमेशा सम रहेगा। जैसे 1 + 1 हो गया, क्या कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं? 1 और 1 0, और 1 और 0 जीरो, सॉरी 1, बस इतनी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। तो वही रख लिया कि मैंने रखा कि ये वाला ए स्ट्रिंग का और बी स्ट्रिंग का टोटल किया, और उसके बाद देखा कि लाइक कैरी भी ऐड कर दिया, क्योंकि इस केस में तुम देखो तो इस केस में 1 और 0 तो है, पर इधर कैरी भी हमें काउंट करना पड़ेगा बेसिकली। और कैरी हमने निकाला, और कैरी क्या होगा बेसिकली? कैरी हमें हमेशा होगा टोटल डिवाइड बाई 2। टोटल मतलब, क्योंकि कैरी कब आ सकता है? जब 1 और 1 होगा तभी तो कैरी आएगा ना। तो 1 और 1 कितना होता है? 2 होता है। तो 2 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? तुम्हारा 1 कैरी हो गया। एल्स 1 और 0 में तुम्हारा क्या ही कैरी होगा? 1 डिवाइड बाई 2 तो 0 हो जाएगा ना, तो कैरी नहीं हुआ तुम्हारा, ठीक है? ऐसा मतलब बेसिकली ये कर दिया। और तुम्हारा एफ क्या हो जाएगा? टोटल परसेंटेज 2, ठीक है? जैसे इधर तुम्हारा टोटल कितना निकला? तुम्हारा टोटल कितना निकला? 1 और 1 2 निकला ना, तो 2% 2 कर दो, तो मतलब मॉड्यूलो 2 कर दो, तो तुम्हारा 0 हो गया बेसिकली। ऐसा, क्योंकि हमें क्या करना है, बिट्स बाइनरी में ही कर रखना है ना, तो हमारा एफ भी आ गया, और उसे उसी चीज़ को हम स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे। तो ऐसे ही करना है, और लाइक एक्स माइनस माइनस वाई माइनस वन, क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं, तो आई होप ये, और बाद में अपन रिवर्स कर देंगे, ठीक है? तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, थैंक यू।